ठीक है क्या? अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अंदर भी हमको क्या करना है बच्चों, वही स्टेटमेंट। अगर दो नंबर को पूछा स्टेटमेंट और पूरा प्रूफ पूछा तो चार नंबर के लिए, राइट है ना। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इसके समझो, सपोज करो ये हमारे पास एक प्लेन लेमिना है। प्लेन लेमिना किसको बोलते हैं? ऐसा कोई शीट समझ लो जिसकी थिकनेस लगभग बराबर जीरो के, मतलब लगभग जीरो ही मतलब बहुत थिकनेस कम है, एक आइडियल शीट है वो। हाँ, उस शीट के ऊपर हम अगर मिसाल के तौर पे परपेंडिकुलर इस प्लेन लेमिना के परपेंडिकुलर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट जेड एक्सिस समझो, ठीक है, अबाउट जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, आई जेड बोलेंगे क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। और यहां पर अगर सपोज करो ये दो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस रहेंगे, ये एक्स वाला रहेगा वाई वाला रहेगा, राइट है ना। तो ये एक्स एक्सिस होगा और ये वाई एक्सिस होगा। तो सपोज करो एक्स है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके गिर्द क्या निकलेगा बोलो, आई एक्स एक्स, और इसके गिर्द अगर ये जेड है एक्सिस वाई है तो इसका क्या बनेगा बोलो, आई वाई। तो ये कहता है ये दोनों देखो एक प्लेन लेमिना के ऊपर उस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर मुझे इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मुझे, तो इसमें दो एक्सिस रहेंगे, ये वाला एक और ये वाला एक, है ना। तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लस इस परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, समझ रहे क्या? तो क्या मीनिंग हुआ कि आई जेड जो है, आई जेड यानी परपेंडिकुलर प्लेन को जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है प्लेन के अंदर जो एक्सिस है ना जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है उन दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लस। समझ आ रहा है? तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट बड़ा सिंपल इस तरह से लिखना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस टू द प्लेन और प्लेन लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लेमिना, जो कि प्लेन ऑफ लेमिना के अंदर है ना। जैसे प्लेन ऑफ लेमिना भी कौन सा एक्सिस है, ये एक है और ये मेरी ये फिंगर है, कोई बात राइट है एक्स और वाई, और ये जेड क्या है परपेंडिकुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्लस होता है। लिख कर दो क्या? ठीक है, बड़ा सिंपल लिखना आपने स्टेटमेंट इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना। लेमिना किसको समझ में आ रहा ना? हाँ, पतला वर्क समझ लो, पतला वर्क एक, हाँ इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लेमिना इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हाँ या फिर लाइंग इन द सेम प्लेन ऑफ लेमिना, ठीक है ना, ओके क्या? तो इस तरह से आपने स्टेटमेंट लिख देना बढ़िया सा और ये फॉर्मूला लिख देना और डायग्राम बना देना बढ़िया, आपको पूरे के पूरे नंबर दो के दो नंबर मिल जाएंगे। अब बारी आती है इसके थ्योरेटिकल प्रूफ की, चार नंबर का क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करते बताओ। चलो क्या प्रूफ करना है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, क्या प्रूफ करना है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस में आई वाई, ओके ठीक रहा है ना, अच्छे से ऊपर तक कट रहा है कुछ, ठीक है देखता हूँ बोला, ओके ओके सब दिख रहा है, यस चलो। हाँ बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, अभी हम प्रूफ देने के वास्ते सबसे पहले काम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करो इस तरह से, एक प्लेन लेमिना ले लो, ठीक है, उसके अंदर क्या करेंगे अपन इस तरह तीन एक्सिस ले लेंगे उसके, ठीक है ना, ये एक्सिस सपोज कर लो एक्स है, ये जेड है ना, वाई की जेड उसका नाम चलता है ना, हाँ असल में डायग्राम ऐसी है, ये एक्स ये वाई और ये ऐसा जेड, हाँ जेड और ये वाई, किसी को कुछ भी दे सकते हैं मसले की बात नहीं है। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, स्मॉल मास एलिमेंट जिसको बोलेंगे अपन, जिसका मास कहता है डी एम, वो किस पॉइंट पर है, पी पॉइंट पर, राइट है क्या, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे क्या करना है, अगर एक्स एक्सिस के अतराफ में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इसके पैरालल से लाइन लेता हूँ, देखो जरा अच्छे से देखो, इसके पैरालल ये एक्स है तो ये भी एक्स बनेगा बच्चों,
नहीं बनेगा, ये पूरा एक्स है एक्सिस, तो ये भी एक्स होगा। अगर इसके पैरेलल लूंगा तो इस तरह होगा क्या, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, राइट है क्या, है ना, इस तरह से। यहां पर बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर ऐसा कैसे बोल रहे आप, ये कितने का है, 90 का नहीं, क्योंकि सर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का, ये भी 90 का, सब 90 का बनेगा दूसरे को, समझ रहे कि नहीं, इस तरह से। तो यहां पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, बट दिख रहा कि अपने को उतना अच्छे से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ओके। अब क्या करना है बच्चों, अगर मुझे, मैंने बताया आपको जैसे कि इसको मेट देता हूं, थोड़ा और अच्छा समझाता हूं दोबारा, ठीक है, यानी कि हाँ, इस पॉइंट से मैंने इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया, राइट है बच्चों। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम, इस पार्टिकल का डीएम मास का यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, राइट है क्या, ठीक है, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे इस एक्सिस का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एक्स का निकालना है, तो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। ये वाला क्यों, ये वाई है ना, ये वाई है तो ये भी वाई, ये वाई है तो इसका पैरेलल ये भी वाई, ये एक्स है ये एक्सिस तो ये एक्स है, इसका पैरेलल डिस्टेंस भी एक्स है, ये एक्स तो ये एक्स, ये एक्स, ये एक्सिस एक्स तो ये एक्स, ये एक्स तो ये एक्स, ये वाई है तो ये वाई, ये वाई तो ये वाई, समझ रहे क्या। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस जेड एक्सिस से निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा इसका, जो कि आर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आर। मोटी मोटी बात याद रखो, अगर मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, डीएम तो पार्टिकल ले लेंगे उसका मास, ठीक है ना, डीएम तो उसका मास ले लेंगे अपन, राइट है, डीएम क्या ले लिया उसका मास ले लिया, एक दो मिनट में हो जाता खत्म, ठीक है ना, डीएम उसका मास ले लिया, ओके, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वाई है। देखो अगर एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूं, तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ये है ना, हाँ, ये दिख रहा नहीं है लेकिन परपेंडिकुलर है वो, ये 2D डायग्राम है, समझ में नहीं आती 3D में क्या है वो, परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, वाई है, ओके, क्या, तो यहां पर डीएम मास और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, राइट है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यस। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे वाई एक्सिस पर निकालना है, वाई एक्सिस पर मतलब ये एक्सिस पर, ठीक है, तो बच्चों मतलब मास पार्टिकल कितना है, डीएम, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा उसका, बोलो ये, हाँ, y के लिए निकालना है तो ये परपेंडिकुलर रहेगा, राइट है, इसको मुझे x बोलना पड़ेगा, x का स्क्वायर, राइट है, इस तरह से मैं इंटीग्रेट कर दूँ, फिर निकालना है तो, ठीक है। अगर मुझे z के लिए निकालना है तो z का परपेंडिकुलर कौन है, बोलो, r है, तो इंटीग्रल r का स्क्वायर इंटू में dm, इतना समझा कि आपने, पहले इतना थ्योरी लिख दो, सिंपल स्टेटमेंट लिखना, इतना लिख दिए, ओके। इसमें बच्चों आप ट्राइंगल देखो, ये आपका मैंने बताया कि 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है, ठीक है क्या, इस तरह से, हाँ, क्यों 90 डिग्री बनने वाला है, ये वाला इस तरह से पार्ट है, ये वाला ऐसे को समझ लो, ठीक है क्या, ये 90 डिग्री बनने वाला है। तो बच्चों ये 90 डिग्री ही बनने वाला है, दिख रहा नहीं लेकिन बनने वाला 90 डिग्री कंफर्म है। ये पॉइंट को अपन सपोज करेंगे एम नाम दे देंगे, इसका नाम दे देंगे सपोज कि पी है, इसका नाम ओ है, तो क्या बन गया, एम, इसका नाम पी, इसका नाम ओ, ये डिस्टेंस कितना है, आर, ये डिस्टेंस कितना है, वाई, ये डिस्टेंस कितना है, एक्स, समझ रहे, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला, ठीक है ना, ये ऐसा, ओके, इसके अंदर पता करो बेटा कि मतलब कैसा होगा, बताओ, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम पी, हाँ, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर, सही है क्या, इस तरह से। अब बच्चों आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि मैं इंटीग्रेट कर लूँ इसको, इंटीग्रेट कर लो और मल्टीप्लाई किससे करूँ, डीएम से, तो इंटीग्रल ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम, यहाँ लिख देना आपने स्टूडेंट, राइट ना, इंटीग्रेटिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय डीएम टू इक्वेशन, जो भी इक्वेशन थी वो, प्लस इज इक्वल टू, हाँ, इंटीग्रल ओ एम स्क्वायर इंटू में डीएम प्लस इंटीग्रल एम पी स्क्वायर इंटू में डीएम, मल्टीप्लाई कर दिया डीएम से और क्या कर दिया, इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया। अच्छा, इंटीग्रल ओपी का स्क्वायर, ओपी क्या चीज़ है, ओ से पी आर है, तो आर का स्क्वायर इंटू में डीएम इज इक्वल टू इंटीग्रल ओ एम का स्क्वायर, ओ एम कौन है, ओ एम एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इंटू में डीएम प्लस में इंटीग्रल एम पी स्क्वायर यानी वाई है, तो वाई का स्क्वायर इंटू में डीएम, समझ रहे क्या, इस तरह से। अब बच्चों आप बताओ इंटीग्रल आर स्क्वायर इंटू डीएम क्या होता था, आर स्क्वायर इंटू डीएम, ये आई जेड है ना, इस तरह से इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डीएम क्या होता, आई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डीएम क्या होता, आई एक्स। तो बेसिकली आपको पता चला कि आप इसको आगे पीछे करके आई जेड इज इक्वल टू पहले आई एक्स लिख सकते हो और प्लस में आई वाई बाद में लिख सकते हो और ये फॉर्मेट आपका प्रूफ हो गया, करेक्ट है क्या। थ्योरी में समझ लो, चार मार्क का क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाना, स्टेटमेंट लिख देना उसको जो स्टेटमेंट मैंने बोला आपको, उसके बाद कंटिन्यू वर्क करते 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 यहाँ पर आ जाना और बोल देना यहाँ पर प्रूफ हो गया, फोर मार्क का खत्म क्वेश्चन, कुछ नहीं होता इसमें, ईजी है, हाँ। और अगर थ्योरी बढ़ाना चाहो ऐसा लिख सकते, दिस इज
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, हाँ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। तो पूरा कर लो, काफ़ी आपके लिए, ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छे से करके जाना, एग्जाम में ये क्वेश्चन आने के मोस्ट चांसेस हैं।